गुड इवनिंग दोस्तों, माय नेम इज अनिल शर्मा, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। अभी मैं अपने घर के पास वाले रेलवे स्टेशन पर हूँ और मैं पचमढ़ी मध्य प्रदेश में एक टूरिज्म प्लेस है वहाँ पर घूमने के लिए जा रहा हूँ। पचमढ़ी जाने के लिए हमें अपने घर के पास के रेलवे स्टेशन से पहले ट्रेन में पिपरिया तक जाना पड़ेगा, जो कि नरसिंहपुर के पास है और यहाँ से उसका डिस्टेंस करीबन 250 किलोमीटर है। उसके बाद फिर वहाँ से बस में ट्रेवल करना होगा करीबन 100 किलोमीटर और हम लोग पचमढ़ी पहुँच जाएंगे। तो मैं पिपरिया तक नर्मदा एक्सप्रेस से जा रहा हूँ और हमेशा की तरह मैं जनरल मतलब कि अनरिजर्व कैटेगरी में ही ट्रैवल करूँगा। दोस्तों, इस रेलवे स्टेशन से हमारी ट्रेन रात में 8 बजे जो कि 12 बजे तक हमें पिपरिया पहुँचा देगी। उसके बाद अगर बस मिलती है तो हम उसी समय पचमढ़ी के लिए निकल लेंगे, अगर नहीं मिलेगी तो वहीं के वेटिंग हॉल में आराम करेंगे और जब बस मिलेगी तो हम पचमढ़ी के लिए निकल लेंगे। दोस्तों, हमेशा की तरह इस बार मैं अकेले ही ट्रैवल कर रहा हूँ क्योंकि सोलो ट्रैवल का मज़ा ही अलग होता है। ट्रैवल की खासियत ये होती है कि सफ़र में नए नए दोस्त बनते हैं और जिससे सफ़र का मज़ा दोगुना हो जाता है। दोस्तों, अभी रात के 1:15 और मैं पिपरिया रेलवे स्टेशन पहुंच गया हूं। अब यहां से देखता हूं, अगर बस मिलती है तो ठीक है, नहीं तो यहीं के वेटिंग हॉल में वेट करूंगा। एक कार मैं यहाँ तक आया था, उसका रेंट 200 रुपये था और यहाँ पे आके मैंने एक डॉर्मेट्री हॉल में एक बेड ले लिया है। बेड कहते हैं वो ज़मीन पे ही, ये सामने देखिए ये बिस्तर लगे हुए हैं और इनका किराया भी 200 रुपये पर बेड के हिसाब से है। और यहाँ पे मैं सुबह तक आराम करूँगा, फिर इसके बाद अपने ट्रैवल पे आगे बढ़ूँगा। तो अभी थोड़ा मैं आराम करता हूँ, फिर जब ट्रैवल के लिए जाऊँगा तो आपसे मिलते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि पचमढ़ी बस स्टैंड के पास ये डॉर्मेट्री है, अगर आप यहाँ आते हैं तो आप भी यहाँ पे बेड वगैरह ले सकते हैं।